हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम 2D एनिमेशन कार्टून को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी आसानी तरीके से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एनिमेशन ऐड और पहली वीडियोस दोनों बनाना सिखाने वाला हूँ काफ़ी इजी तरीके से। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे ज़रूरी है, उन सॉफ्टवेयर का नाम मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहला है काइनमास्टर, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, जो कि एक एडिटर है। तो उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को बैकग्राउंड इरेजर की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है कार्टून एनिमेशन और यहाँ पे एड्स वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब वाले ऐड की बात नहीं कर रहा, बल्कि वीडियो में यूज़ होने वाले एनिमेशन की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रा कार्टून 2 की भी ज़रूरत पड़ने वाली है और पिक्सल लैब की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और इन दोनों सॉफ्टवेयर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, वरना बैकग्राउंड इरेजर काइनमास्टर से भी हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें गूगल की भी हेल्प लेनी होगी। और यहाँ पे मैं कार्टून मैन की इमेजेस यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, जो कि PNG इमेज होगी। ओके, तो यहाँ पे हमें कार्टून इमेजेस चाहिए होंगे कार्टून एनिमेशन बनाने के लिए, जो कि हमें गूगल पे आसानी से मिल जाते हैं। और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। तो मुझे एक परफेक्ट फ़ोटो ढूँढनी है और कार्टून एनिमेशन करने के लिए, तो आप भी चाहें तो किसी भी टाइप के फ़ोटो यहाँ पे ले सकते हो और सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद में हमारे यहाँ पे काम आता है बैकग्राउंड इरेजर का। तो इसका मेन काम यहाँ पे यही है, जो कि बैकग्राउंड होता है उसको इरेज करना। आप में से बहुत से लोगों को यहाँ पर पता भी होगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली अपने कैरेक्टर को यहाँ पे चूज़ कर लेना है, जिसके बैकग्राउंड को हमें इरेज करना है। तो यहाँ पे ये मेरा कैरेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं कितना एरिया हमें चाहिए। आपको थोड़ा एरिया छोड़ना होगा, क्योंकि एडिटिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल मिलते हैं, एक होता है मैनुअल, जो कि आप खुद से करते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक रिपेयर मोड आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है, रिपेयर करने के लिए, जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे किया तो रिपेयर करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैजिक टूल मिल जाता है, इससे आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर सकते हो। और एक मिलता है ऑटो टूल, जो कि किसी भी परफेक्ट या फिर पर्टिकुलर कलर को यहाँ पे इरेज कर देता है, ठीक है, आसानी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इरेज कर लिया है और यहाँ पे मैंने बना लिया अपना एक PNG इमेज। ओके, बैकग्राउंड इरेज करके, तो ऐसे ही आप सब कुछ बना सकते हो। फिर यहाँ पे काम आता है पिक्सल लैब का, जो कि हल्का फुल्का काम है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें सिंपली कि अपने जो भी कैरेक्टर है उसको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। और यहाँ पे मेनली जो भी ब्राइटनेस वगैरह फुलफिल करनी होती है, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं ब्राइटनेस वगैरह को यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह को यहाँ पे फुलफिल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको कोई सामान वामान यहाँ पे थमान ना हो, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे आप एक इमेज बनाकर फिर से उसको बैकग्राउंड रिजर्व में जाकर यहाँ पे सेव कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमारा मेन काम आता है काइनमास्टर में। तो यहाँ पे मैंने काइनमास्टर को ओपन कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे पहले मैं डाउनलोड में जाऊँगा और यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को चूज़ कर लूँगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक कार्टून वीडियो बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें इसको फुल स्क्रीन में कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं जूम इन करके और यहाँ पे डबल टैप कर देता हूँ, इक्वल। ओके, एंड पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन सब इक्वल हो गया। अब हमें इस इमेज यानी बैकग्राउंड को जितना यहाँ पे बड़ा करना है मैं कर लेता हूँ। ओके, तो मुझे 10 सेकंड का चाहिए, तो ओके मैंने कर लिया। ओके, और यहाँ पे अब हमें जाना होगा यहाँ पे अपने बैग को लाने, और यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे हमारा बैग है। अब जैसा आप जैसे टाइप की स्टोरी बनाना चाहो आप बना सकते हो। यहाँ पे पहले वीडियोस या फिर कार्टून एनिमेशन वीडियोस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, और इसके लिए आपको किसी भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने अपने कैरेक्टर को यहाँ पे ले आया हूँ, और यहाँ पे आपको रिसाइज कर लेना अपने कैरेक्टर को। और यहाँ पे मैं एक कोने में इसको डाल देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे की मदद से इसको एनिमेट करने वाले हैं। ओके, तो आपको मतलब रिसाइज करने में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। ओके, और यहाँ पे मैं अभी अपने यहाँ पे सारे कुछ लेयर को यहाँ पे फुलफिल कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको लेयर को एकदम परफेक्ट लगाना है ऐसे टाइम पे, क्योंकि बाद में आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे लेयर को परफेक्टली आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, मैंने की पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बहुत ही फास्टली कर रहा हूँ, मैं आपको स्लो मो में करके देख लेना चाहिए वीडियो को। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ला दिया, और यहाँ पे प्लस प्लस आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करते जाओगे आपका वीडियो एनिमेट होता जाएगा, ठीक है। बैक को हमें कुछ नहीं करना है। ओके, हमें इसको सेंड टू बैक कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे करेक्टर हमारा बैक में चला गया, बैक थोड़ा सा आगे आ गया है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा सही कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें वो जो हमने एक और PNG इमेज बनाया था, ठीक है, बैक के साथ, उस इमेज को यहाँ पे यूज़ करना होगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो जो दूसरा इमेज है उसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ काफ़ी आसान तरीके से, और इसी को मैं फिर से उसी की तरह एनिमेट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे
तो यहाँ पे हमारा एनिमेट हो चुका है और मैंने एनिमेट कर दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो तो वही के वही हो जाता है, ठीक है। स्पीड इसकी थोड़ी सी यहाँ पे हो जाती है, सही हो जाती है, और यहाँ पे इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। ओके, तो इसको भी हम थोड़ा सा आगे ले आते हैं, ओके, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पीड चाहिए, बिल्कुल ही स्लोमो टाइप नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे वीडियो हो चुका है हमारा कंप्लीट, कम से कम 5 सेकंड का बनाया है, इसकी पूरी वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, एक आदमी अपने ड्राइवर को बोलकर सामान लेने आ रहा होता है, वो सामान लेकर जा रहा होता है और अपने ड्राइवर के साथ बैठकर वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में काफ़ी अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है और ड्राइवर उसे उसके घर छोड़ देता है और ड्राइवर चला जाता है और रात हो जाती है। और यहाँ पे मैं ऐड वाली वीडियो भी यहाँ पे शूट करके यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, तो इसका भी मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ऐड प्रीव्यू, जो कि आप काफ़ी यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हियर यू कैन गेट टॉप 10 वीडियोस विच आर बेस्ड ऑन गेम्स एंड मूवीज विच आर सो नाइस एंड एंटरटेनिंग नेक्स्ट लेवल वीडियोस फॉर यू गाइस। And here we can introduce and entertain you. And this type of videos only you can get on Pankh channel. So subscribe this channel and support this channel for more videos. And don't forget to press the bell icon. Thanks for watching and keep supporting us. तो साथ ही साथ मैं आप लोगों के एक और एप्लीकेशन जो भी मैंने डाउनलोड कराया था जिसका नाम था ड्रॉ कार्टून 2, उसका भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि इसका क्या क्या हमें। तो सबसे पहले आपको न्यू कार्टून पे जाना है, यहाँ पे आप लोगों को कैरेक्टर काफ़ी गजब तरीके के मिलते हैं और यहाँ से भी आप कार्टून को एनिमेट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाकर काइनमास्टर वे भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रैगन को चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको फुलफिल करके एक कार्टून वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। अगर आप चाहो तो ग्रीन स्क्रीन, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन या फिर यहाँ पे ब्लू स्क्रीन वीडियो भी बना सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो मैं कितनी आसानी से यहाँ पे बना रहा हूँ, जिससे आपको मूवमेंट करनी है और यहाँ पे जो भी ब्लू बटन है उस पर टैप करते जाना है, नया नया पेज बनता जाएगा और आपका कार्टून यहाँ पे एनिमेट होता जाएगा। जैसे आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एनिमेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे हिलाना डुलाना है, इसके अलग अलग पार्ट के यहाँ पे आप लोग को मिल जाते हैं रिसाइजेबल। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक सिंपल सा वीडियो बना लिया, कितना सही सा बना है, ठीक है, और सेम टू सेम उसी तरीके का बना जिससे हमें चाहिए। और इस पीछे हम ग्रीन स्क्रीन भी लगा सकते हैं इसके, तो मैं अभी ग्रीन स्क्रीन लगा के भी आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर 3 डॉट पर जाना है, यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कलर पे जाना है और उसके बाद आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन कलर को चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पे टैप करके अपने वीडियो को बनाना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट में लिख कर बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।